राइफल क्लब के मैदान में डॉक्टर गिरजा शंकर शर्मा मेमोरियल अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। उद्घाटन लोकप्रिय सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी द्वारा किया गया। हॉकी टूर्नामेंट में महिला वर्ग की टीम स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, सोनीपत हरियाणा, भोपाल, चंडीगढ़, बांदा, कोलकाता, इटारसी बिहार, भिलाई स्टील प्लांट से आई। पुरुष वर्ग में हरदोई, बहराइच, हमीरपुर, मुरादाबाद, मुंबई, बांदा, चरखारी, इटारसी, बनारस, प्रयागराज, भोपाल, हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई, करनाल आदि से आई। एनसीआर झांसी की टीमें भाग ले रही हैं। कमेटी अध्यक्ष वासिफ जमा, जमाल मास्टर साहब, डॉक्टर संतोष शर्मा, दिनेश शर्मा, जितेन शर्मा, मुदित शर्मा, डॉक्टर वीरेन शर्मा, शेखर शर्मा, राजेंद्र अवस्थी, नफीस गावस्कर, साहिद बाली, वीरेंद्र सिंह चंदेल, खलीद भाई, जावेद अहमद, सगीरे भाई, नीलू द्विवेदी, मुन्ने मगरवी, श्री कृष्ण चौरसिया, लल्ला भैया, कौशल किशोर सैनी, प्रकाश साहू, महेश साहिल आदि उपस्थित रहे। और ये हॉकी प्रतियोगिता 2 फरवरी से 9 फरवरी 2020 तक सुबह तथा दोपहर में सारे मैच में खेले जाएंगे। और इस प्रतियोगिता में डॉक्टर सारिफ के द्वारा मेडिकल उपचार खिलाड़ियों के लिए भी किया गया, जिससे किसी भी प्रकार की चोट में तुरंत खिलाड़ियों का उपचार हो सके। और इस राइफल मैदान का नजारा काफी भारी हुआ। अधिक जनसंख्या में स्टूडेंट और दर्शक मौजूद हैं। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इस पर रहिए। तो मेन रोल होता है वो स्पोर्ट्स इंजरी में होता है, क्रिकेट हो या हॉकी हो या कबड्डी हो, तो उसमें स्पेशल हम इसमें ट्रीटमेंट देते हैं जो मांसपेशियां पुल कर जाती हैं। फिजियोथेरेपी की स्पेशल भूमिका होती है, स्पोर्ट्स इंजरी के लिए लाभदायक है, जिसके द्वारा हम एंटी पेन किलर स्प्रे के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं, एंटी स्पॉट्स जितने भी टेबलेट्स हैं उसके द्वारा इलाज करते हैं, दवा के द्वारा और ड्रेसिंग कर देते हैं ताकि जल्दी आराम हो शरीर। विगत 4 सालों से इसका आज दो टीम महिलाओं और के बीच में मैच खेला जा रहा है, मुंबई और भोपाल के बीच में। भोपाल वर्सेस ये राइफल क्लब खेल मैदान पर हो रहा है। ये टूर्नामेंट जो है 9 तारीख तक चलेगा। इसमें ग्वालियर, भोपाल, मुंबई, हैदराबाद, बहराइच, लखनऊ, झांसी, नॉर्थन रेलवे झांसी, बनारस, गोरखपुर आदि जनपदों की टीमें और प्रदेश के बाहर की टीमें खेल रही हैं।